ओ शिट यार, गलत रिचार्ज करवा लिया। तो भाई तुम भी नहीं चाहते कि इसकी तरह जो है तुम भी यहाँ पर अपने जियो सिम में जो है गलत रिचार्ज करवा लो, तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए जो यहाँ पर वन मंथ के लिए जियो का सबसे बेस्ट रिचार्ज यहाँ पर कौन सा होगा। कई सारे लोग जो है यहाँ पर कौन सा भी रिचार्ज करवा लेते हैं, भाई उसमें आपका फायदा नहीं है। इस वीडियो में मैं ऐसे चार रिचार्ज प्लान्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो दो प्लान्स के बारे में बताऊंगा, वो दो प्लान जो है 5G यूजर्स के लिए होंगे। बाकी के जो दो प्लान्स बताऊंगा, एक 4G यूजर के लिए होगा और एक जो है कीपैड फोन यूजर के लिए होगा। अरे भाई कीपैड फोन यूजर के लिए क्यों? अरे यार देख, तेरे घर में जो है मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, उनके पास कीपैड फोन भी हो सकता है, तो भाई उनके लिए भी जो है मैं यहाँ पर रिचार्ज बताऊंगा। हाँ भाई तेरी बात सही है, सही लगी ना तो वीडियो को जल्दी लाइक कर और चैनल को कर सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले रिचार्ज की बात करते हैं, वो बात करते हैं 5G यूजर के लिए। अगर आप यहाँ पर 5G यूजर हो, अगर आपके पास यहाँ पर 5G मोबाइल है और आप जो है यहाँ पर 5G का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हो, तो भाई आपके लिए जो है सबसे बेस्ट वाला प्लान है वो यहाँ पर है 899 रुपीज़ का। अरे भाई इतना महंगा? अरे भाई सुन, हाँ महंगा तो है बट इसमें जो है तुझे 84 दिनों की जो है वैलिडिटी मिलेगी, प्लस तुझे जो यहाँ पर 5G अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, प्लस यहाँ पर जो है तुझे अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी, और बाकी रिचार्ज के प्लान्स के मुकाबले ये तुझे रिचार्ज जो है सस्ता पड़ेगा। तो चलो अब मैं जो है आपको यहाँ पर थोड़ा सस्ता वाला प्लान बता देता हूँ वन मंथ के लिए। तो भाई अगर तुम्हारा बजट यहाँ पर कम है तो भाई तुम्हारे लिए जो वन मंथ के लिए सबसे बेस्ट वाला रिचार्ज रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 349 रुपीज़ का। हाँ हाँ भाई 349 रुपीज़ का, हाँ पता है ज़्यादा है बट आपके लिए ये प्लान जो है सबसे बेस्ट रहने वाला है अगर आप यहाँ पर 5G यूज़ करते हो और आपका जो यहाँ पर थोड़ा बजट भी कम है। अगर आपका यहाँ पर थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप यहाँ पर जो है 899 वाले रिचार्ज प्लान्स के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि उसमें जो है तुम्हें यहाँ पर 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, प्लस सभी रिचार्ज के मुकाबले जो है वो रिचार्ज आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा। अरे भाई 4G यूजर्स के लिए भी बता देना। हाँ हाँ बता रहा हूँ रुक। तो चलो अब बात करता हूँ 4G यूजर्स के लिए। अगर आप यहाँ पर 4G यूज़ करते हो, आपके पास 4G मोबाइल है, आपको अनलिमिटेड डाटा नहीं चाहिए, तो भाई आपके लिए जो सबसे बेस्ट वाला प्लान रहने वाला है एक मंथ के लिए, मैं एक मंथ वाले रिचार्ज प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके यहाँ पर बजट भी कम है और आपको बस एक ही महीने का रिचार्ज करवाना है, तो आपके लिए जो है यहाँ पर 299 रुपीज़ वाला एक प्लान आता है, जिसमें जो आपको यहाँ पर 1.5 GB पर डे मिलती है और साथ ही में आपको यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलती है, वो भी 28 दिनों के लिए। और एक प्लान भी है जिसमें जो है आपको यहाँ पर 239 रुपीज़ ही लिए जाएंगे बट उसमें जो है आपको यहाँ पर 22 दिनों की ही वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप यहाँ पर 60 रुपये बढ़ा देते हो तो भाई आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी। तो ये जो है 4G यूजर्स के लिए जो है बेस्ट प्लान है। तो चलो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कीपैड फोन यूजर्स के लिए। देखो अगर तुम्हारे घर में मम्मी पापा किसी के पास भी कीपैड फोन है, अगर तुम्हें उसमें रिचार्ज कराना है, तो सबसे पहले तो भाई जियो सिम जो है कीपैड फोन में वर्क नहीं करता। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके घर में कीपैड फोन है किसी के पास तो उनके पास जो है एयरटेल होगा। अगर आपके कीपैड फोन में जो है यहाँ पर एयरटेल का सिम है तो भाई तुम्हारे लिए यहाँ पर वन मंथ के लिए जो है सबसे बेस्ट वाला रिचार्ज है जो है 199 रुपीज़ का, जिसमें तुम्हें यहाँ पर 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, प्लस जो है यहाँ पर तुम्हें 1 GB डाटा मिलेगा। हाँ वो 1 GB डाटा कोई काम का नहीं होगा बट तुम्हें जो यहाँ पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। तो भाई यही थे एक मंथ के रिचार्ज वाले प्लान्स। भाई ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताओ, चैनल पे नहीं तो करो सब्सक्राइब। भाई जल्दी 1K होने वाले हैं, 1K स्पेशल वीडियो आएगी, जरूर देखना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय और टेक केयर।